तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है? मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक नया स्मार्टफोन लेने की परचेज कर रहे हैं, या फिर कईयों के पास अभी वैसे बहुत ज्यादा पुराना फोन तो नहीं होगा, बट चुल मची होगी कि यार बहुत सारे फोन लॉन्च होते जा रहे हैं और हम कोई फोन खरीद ही नहीं रहे। एंड यहाँ पे ना सबसे बड़ा जो सवाल आता है ना, सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिशन है वो है 30,000 के बजट के अंदर। और यहाँ पर तो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि गाइस हम एक नया फोन लेना है, हम एक नया फोन लेना है, हर रोज कमेंट आता है। और यहाँ पे जो नया फोन है वो मैं आपको डेफिनेटली मना कर रहा हूँ, आपने टाइटल पढ़ लिया तभी आपने वीडियो को क्लिक किया कि भाई क्या बोल रहा है, फोन मत खरीदो। अभी कोई ना कोई जरूर से कमेंट कर देगा भाई कि हमें अगर फोन में इंटरेस्ट ना रहा तो तेरा चैनल नहीं चलने वाला। देखो भाई, यहाँ पे फोन में इंटरेस्ट की बात नहीं है, फोन में इंटरेस्ट तो मेरा भी है ना, मैं भी हर रोज देखता हूँ नया फोन कौन सा लॉन्च हो रहा है, पर बात कर रहा हूँ खरीदने की। अभी ये सही टाइम नहीं है। अगर आप समझदार हो, अगर आप होशियार हो और अगर आप एक टेकी पर्सन हो तो आपको पता होगा ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है एक स्मार्टफोन लेने का। वैसे 30,000 के अंदर इतनी भरमार मच चुकी है ना, रियलमी GT मास्टर एडिशन, iQOO 7, मोटो का नया फोन आ गया S20, OnePlus Nord 2 मिल रहा है हमें, रियलमी X7 मैक्स तो ताबड़तोड़ प्राइस के ऊपर मिल रहा है, अभी वो हो गया, खत्म हो गया वैसे तो, बट वो मिल रहा था अभी, बट स्टिल होप है कि आगे फिर से देखने को मिले। बट यहाँ पे और भी कई फोन्स हैं जो कि 30,000 के अंदर इतने अच्छे फोन्स हैं कि हमें मन करता है कि यार वो 20,000 वाले फ़ोन को छोड़ें और चले थोड़ा सा ऊपर और ये एक नया फ़ोन परचेज किया जाए, थोड़ा सा मज़ा टाइप आ जाए। बट मैं सही बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है अपना पैसा एक नए फ़ोन में लगाने के लिए। अभी चलो मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली आप 30,000 के अंदर एक फोन लेने वाले हो तो आपको ओवरऑल सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि एक फ्लैगशिप फोन में होनी चाहिए। कुछ दो चार चीजें जैसे कि IP रेटिंग्स वगैरह या फिर दो चार कोई और चीजें जो कि आपको मिस कर जाएगा आपका फोन। बट यहाँ पे अगर आप 30,000 खर्चने जा रहे हो तो आपको टॉप ऑफ द लाइन वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, आपको कमाल की डिस्प्ले देखने को मिल रही है, आपको कमाल की चार्जिंग स्पीड देखने को मिल रही है, तो सारा कुछ यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी गजब का है। बट यहाँ पर अगर आपको याद हो तो आप कौन से महीने में हो, अभी सितंबर का एंड होने वाला है, सितंबर के बाद अक्टूबर फेस्टिवल्स स्टार्ट हो जाएंगे। भाई फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, उसका इससे क्या लेना देना है? भाई फेस्टिवल स्टार्ट होंगे जिसका मतलब है कि फ्लिपकार्ट एंड Amazon जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे सेल्स। अभी फ्लिपकार्ट ने तो इवन की अनाउंस कर दिया है कि हमारी बहुत जल्दी बिग बिलियन डेज जो है ना वो आने वाले हैं और उसके अंदर उन्होंने स्पेशली बोल दिया कि मोबाइल फोन्स के ऊपर भी काफी सारे ऑफर्स होने वाले हैं। एंड मैं सही आपको बता रहा हूँ, ब्रांड जो है वो सबसे ज्यादा जो आपको ऑफर देने वाले हैं वो इसी कैटेगरी पे देने वाले हैं, अंडर 30,000 रुपीज। अभी आप सोचो, मतलब अगर बिग बिलियन डे आ रहा है तो Amazon का ग्रेट फेस्टिवल सेल भी आ जाएगा, मतलब Amazon और फ्लिपकार्ट पूरा जम के कोशिश करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट से एक नया फोन खरीद लो। अब होने क्या वाला है ना, दोनों वेबसाइट्स के ऊपर जितने भी फोन्स हैं उनके ऊपर कमाल के ऑफर्स आएंगे। अब जितने भी 30,000 वाले फोन है ना उसके ऊपर फ्लैट डिस्काउंट भी देखने को मिलेंगे और जिसके ऊपर फ्लैट डिस्काउंट नहीं है कोई बात नहीं, बैंक ऑफर्स देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है हर सेल में क्या होता है, कोई ना कोई तगड़ा वाला ऑफर भी आता है, जैसे कि अभी Realme X7 Max जो है ना वो 27,000 की जगह 21,000 में बिक रहा था। आई एम श्योर ये जो बिग बिलियन डेज आएगा ना इसमें अगेन X7 Max के साथ कुछ ऐसा ही होगा एंड और भी कई ऐसे फोन्स होंगे, शायद पोको X3 GT के ऊपर कुछ कमाल का ऑफर मिल जाए, शायद iQOO 7 अभी पुराना हो रहा है और यहाँ पे iQOO 8 भी सामने आ रहा है, iQOO Z5 सामने आ रहा है, Samsung M52 सामने आ रहा है, तो मे बी यहाँ पे iQOO सोचे कि हम 7 को थोड़ा सा डिस्काउंट पे लगा दें, तो Amazon के ऊपर iQOO 7 भी आपको बढ़िया बैंक ऑफर्स या फिर फ्लैट डिस्काउंट पर मिल जाएगा। एंड Realme Master GT एडिशन, ये एक अंडररेटेड फोन है, इतना ज्यादा हाइप नहीं है, बट जब इसका अगर प्राइस अगर नीचे आ गया, अगर Realme ने सोचा इसका प्राइस नीचे लेकर आया जाए तो मे बी आपको यहां पे खतरनाक वाली डील मिल जाए। और आई एम नॉट सेइंग कि इन फोन्स पे आएगा ही आएगा, मे बी Motorola Edge 20 के ऊपर कोई ऑप्शन आ जाए, कोई ऑफर आ जाए, कोई मजेदार टाइम आ जाए, तो अगर आप 30,000 के अंदर कुछ प्लान कर रहे हो तो मे बी आपको रुकना चाहिए। तो यहां पर जब आप सेल आएगी तो सेल के ऊपर आपका मन चाहा फोन आप बहुत अच्छे प्राइजेस के ऊपर खरीद सकते हो। सो दिस इज द टाइम जब आपको थोड़ा सा अपनी जेब के ऊपर कंट्रोल कर लेना चाहिए, थोड़े से अपनी वो क्रेविंग जो होती है ना फोन्स की क्रेविंग उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए कि भाई शांत हो जा, थोड़े दिन रुक जा, सेल आने दे, फिर पैसे निकालेंगे और यहाँ पे नया फोन खरीदेंगे। सो दिस इज माई पॉइंट, फोन खरीदना है बट अभी नहीं खरीदना। सो अभी कोई फोन मत परचेस करो, चाहे वो आपको कोई भी अच्छा फोन लग रहा हो, चाहे iQOO 7 अच्छा हो, इवन की रिव्यूज में आएंगे आपको नए नए कि Realme GT Master Edition का रिव्यू आ गया, आपने कहा फोन बड़ा अच्छा, चलो परचेस कर ले, वेट करो भाई। गाइज ये है, आपको अपनी हिट लिस्ट बना के रखनी है कि ये फोन मेरे को पसंद है और ये ऑफर्स आ सकते हैं। सो सेल्स जैसे ही आती है आपको अपने मन पसंद फोन का यहाँ पे ऑफर चेकआउट करना है और उसके बाद अपने फोन को यहाँ
यहाँ पे परचेज करना है. सो एज ऑफ नाउ दिस इज नॉट द राइट टाइम टू परचेज अ फोन, आपको थोड़ी सी वेट करनी चाहिए सेल की. बाकी देखो यार, जब सेल आएगी तो आपका भाई तो फ्लिपकार्ट की सेल, अमेजन की सेल हमेशा कवर करता ही है, तो आपको बेस्ट ऑफर्स देखने को मिल ही जाएंगे. बट तब तक का वेट करना पड़ेगा ना. और अगर आप इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको बेल बटन दबानी पड़ेगी सब्सक्राइब करके. सो आई थिंक गाइस मैंने काफी शॉर्ट में काफी अच्छे से अपना यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपको समझा दिया होगा, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सीधी सी बात है, कोई भी फोन परचेस करने की जरूरत नहीं है अभी, चाहे वो आप अभी ना, सीधी बात अगर 20,000 का भी सोच रहे हो ना, थोड़ा सा वेट कर लो. अगर आप अर्जेंट नहीं है ना, कि मतलब आपका फोन टूट गया है या आपके फोन के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया कि नया फोन लेना ही पड़ रहा है, फिर तो इमरजेंसी वाली बात है, दैट्स अ अलग थिंग. बट अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो प्लीज कुछ दिन निकाल दो, थोड़ी सी सेल को आने दो, फिर हम ग्रैब करेंगे अपना फेवरेट फोन. तो ठीक है गाइस, ख्याल रखो अपना और अपने चैनल वालों का. मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ, कुछ ऐसे ही मस्त मसाला लेकर आएंगे. तब तक की स्माइलिंग एंड ऑलवेज चेक गाइस, बाय बाय.